नमस्कार, आप देख रहे दूर देहात न्यूज में आपके साथ पलक। गडकरी ने की नेहरू और वाजपेयी की तारीफ, विपक्ष और सरकार दोनों को आत्ममंथन की सलाह दी। गडकरी ने कहा है कि अटल जी की राजनीतिक विरासत हमारी प्रेरणा है और नेहरू का भारत के लोकतंत्र में अहम योगदान है। गडकरी ने ये बात हाल ही में मानसून सत्र के दौरान सांसदों के बर्ताव को लेकर कही। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी को लोकतंत्र के आदर्श राजनेता बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार और विपक्ष के नेताओं को आत्ममंथन कर अपने बर्ताव को और बेहतर बनाने की बहुत आवश्यकता है। गडकरी ने यह बात हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान वहां सांसदों के बर्ताव को लेकर कही। बताते कि तीन कृषि कानून, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और पेगासस जासूसी मामले के चलते सांसद का लगभग पूरा सत्र हंगामे की चेट में चढ़ गया। नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, बीजेपी वाजपेयी और नेहरू ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के दीहित आदर्श नेता थे। दोनों ही अपने लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करने की बात करते थे। अटल जी की राजनीति किया तो हमारी प्रेरणा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत के लोकतंत्र में अहम योगदान है। अटल जी से मिली थी सदन में सही बर्ताव की सीख। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अपने दिनों को याद करते हुए गडकरी ने कहा, एक समय था जब मैं भी सदन की कार्यवाही में बाधा डालने में सबसे आगे होता था। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात अटल जी से हुई। उन्होंने मुझे समझाया कि लोकतंत्र में इस तरह का बर्ताव सही नहीं है। आप सही तरीके से अपनी बात जनता तक पहुंचा सके ये बेहद जरूरी है। सरकार और विपक्ष सभी को आत्ममंथन करने की जरूरत। साथ ही गडकरी ने यह भी कहा कि सदन में अपने बर्ताव को लेकर सरकार और विपक्ष सभी को आत्ममंथन करने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि आज जो विपक्ष है वो कल सत्ता में भी आ सकती है और आज की सत्ता में पार्टी का विपक्ष बैठ सकती है। हमारे किरदार बदलते रहते हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि मानसून सत्र में जिस तरह का हंगामा हुआ उससे उन्हें बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, मैंने तो अपने तक के राजनीति सफर में अब कई साल विपक्ष में ही काम किया, तो कहीं ना कहीं सब लोग मर्यादा का पालन करके जाए। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी का और मजबूत होना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के वर्तमान हालत पर गडकरी ने कहा कि एक सफल और मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। नेहरू ने हमेशा ही वाजपेयी जी को इज्जत दी। वो हमेशा मजबूत विपक्ष की जरूरत पर जोर देते थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी विपक्ष के तौर पर और मजबूती बननी चाहिए। विचार के आधार पर उन्हें जिम्मेदार विपक्ष का काम करना चाहिए, यही मेरी उनके लिए शुभकामना है। ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।